वेलकम बैक मग कर क्या ये रहा फ्लिपकार्ट का बॉक्स। हाँ फ्लिपकार्ट का बॉक्स है और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि फ़ोन कौन सा है। तो ये रहा वीवो का T3। हाँ यार हमने लगभग 2-3 दिन पहले इसको ऑर्डर किया था और फटाफट फ्लिपकार्ट ने डिलीवर भी किया और उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं। तो हाँ 2-3 दिन का पूरा एक्सपीरियंस है और इस वीडियो से आपको लगभग 70-80% पता चल जाएगा कि ये फ़ोन कैसा है। इसलिए वीडियो को कहीं भी मिस मत करना। और हाँ यहाँ पे ना अनबॉक्सिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, फिर भी मैं बताऊँ बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने मिलता है। सबसे पहले फ़ोन देखने मिलता है ट्रांसपेरेंट केस, उसके साथ 44 वैट का चार्जर, चार्जिंग केबल और सिम इजेक्टर पिन। इतने बॉक्स कंटेंट है, मतलब रिक्वायर्ड सारे बॉक्स कंटेंट बॉक्स के अंदर देखने मिलते हैं। और जिस फ़ोन को हमने निकाल के यूज़ करना स्टार्ट किया, हाँ यार डिज़ाइन कुछ डिफरेंट दिखती है बट बैक हमें प्लास्टिक का ही देखने मिलता है और इसके ऊपर ना एक अलग पैटर्न क्रिएट होता है। और मुझे लगा कि कैमरे के अराउंड ना यहाँ पे ग्लास होगा बट कुछ ग्लास वगैरह नहीं है और कैमरे के अराउंड ना एक ग्लॉसी फिनिश देखने मिलती है। मुझे लगा कि ये सेपरेट ग्लास वगैरह होगा बट नहीं, ये बैक के साथ ही अटैच है और बस यहाँ पे ना थोड़ी सी यहाँ पे अलग डिज़ाइन करने की कोशिश की है बट ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है तो ये ज़्यादा फटाफट गंदा होता है, उंगलियों के वगैरह निशान इसके ऊपर आते हैं। और अदर साइड में बैक के ऊपर आप उंगली वगैरह रखते हो तो ज़्यादा निशान नहीं आते। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। हाँ जो साइड फ्रेम है ये भी पॉलीकार्बोनेट की देखने मिलती है बट ये बैक के साथ ना थोड़ा सा यहाँ पे ना इन्होंने कर्व किया हुआ है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे ना ज़्यादा शार्प फील नहीं होता और हाथ में वगैरह पकड़ते हो तो इजीली ग्रिपिंग वगैरह अच्छे से होती है और वन हैंड से मैं तो इजीली इसको यूज़ कर सकता हूँ। 188 ग्राम का ये फ़ोन देखने मिलता है तो इसे पकड़ के चलो कि हाँ लाइट वेट के कैटेगरी में ही ये फ़ोन आता है। हाँ यहाँ पे हेडफोन जैक का सपोर्ट डेफिनेटली होना चाहिए था जो नहीं है, बाकी NFC का भी सपोर्ट देखने नहीं मिलता। और IP54 के साथ आता है, मतलब नॉर्मल डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है बट पानी के अंदर डूबाना मत। और सामने के साइड से डिज़ाइन की बात करें तो ऊपर और साइड के बेजल्स हल्के से बड़े, ज़्यादा नहीं, हाँ, बट नीचे की चिन थोड़ी सी बड़ी देखने मिलती है बट प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग यही मिलता है तो ये चल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि AMOLED डिस्प्ले है जिसके बारे में आगे आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अब बात जब डिस्प्ले की आती है ना तो हमें 6.67 इंच का AMOLED 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने मिलता है और ब्राइट बहुत ज़्यादा है। इंडोर में मुझे ब्राइटनेस कम करनी पड़ी, जैसे कि मैं रात में वीडियोस वगैरह देख रहा था तब मैंने ब्राइटनेस को कम किया था। और आउटडोर में ब्राइटनेस ज़्यादा देखने मिलती है, हर लाइट कंडीशन पे भी इसका डिस्प्ले टकाटक विजिबल होता है। हाँ नेटफ्लिक्स के अंदर HDR10 का भी सपोर्ट देखने मिलता है और यूट्यूब के ऊपर 4K HDR का भी सपोर्ट है बट जैसे वीडियो प्लेबैक करते हो यूट्यूब के ऊपर 4K HDR तो कभी कभी फ्रेम को ना स्किप करता है, तो ऐसी कुछ चीज़ है। बट आप नॉर्मल 2K या 1080p HDR वीडियोज़ देखते हो तो बहुत ज़्यादा स्मूथ वीडियो चलती है। और जितना हमने वीडियो का एक्सपीरियंस लिया वीडियो वॉचिंग में, यार लिटरली ये फ़ोन कहीं भी निराश नहीं करेगा। कलर्स उबर के निकल के आते हैं, डीप ब्लैक वगैरह देखने मिलता है और ओवरऑल जो कलर साइंस है डिस्प्ले का ये भी सही है। हाँ उसके साथ साथ हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिलता है और स्पीड क्या ही क्विक है यार, क्विकली अनलॉक कर लेता है। और जो हैप्टिक्स है ना ये हमें घुरघुर वाले देखने मिलते हैं, टक टक वाले नहीं है। बट एक अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर ना हमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने मिलते हैं तो यहाँ पे ना मैं लाउडनेस आपको सुना के दिखा देता हूँ। सही है, लाउडनेस वगैरह सही देखने मिलते, बेस और बेटर होता तो मजा आता। हाँ यहाँ पे जो साउंड का डिस्ट्रीब्यूशन है ना नीचे के साइड से ज़्यादा आवाज़ आती है, ऐसे पकड़ के चलो कि 70-30% का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। बट स्पीकर क्वालिटी सही है। बट एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इसकी 5G की स्ट्रेंथ, अब 2-3 दिनों से हम जितना इसको यूज़ करें तो 5G स्टेबल रहता है। अभी मैं पुणे में रहता हूँ तो हाँ यहाँ पे स्टेबिलिटी 5G की अच्छी है। और हाँ यहाँ पे कॉल वगैरह आता है तो फोन 5G से 4G पे शिफ्ट होता है। बट रही बात 5G बैंड्स की, हमें 8 बैंड्स देखने मिलते हैं तो स्पीड वगैरह भी 5G का सही आता है, तो नेटवर्क में वगैरह कोई इश्यू नहीं है। और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट था कि इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करना, और यहाँ पे ना मैंने एक डिफरेंस देखा, जैसे कि IQ Z9 और Vivo T3 ऑलमोस्ट सिमिलर से ही फ़ोन है, कुछ एक दो डिफरेंस है जो इनके कंपेरिजन वीडियो में मैं बताऊँगा। बट एक डिफरेंस मुझे परफॉर्मेंस के अंदर देखने मिला कि G9 के अंदर हमें परफॉर्मेंस मोड देखने मिलता है सेम प्रोसेसर होके, तो इसके अंदर परफॉर्मेंस मोड नहीं है। फिलहाल मैंने ना परफॉर्मेंस मोड नहीं है तो इसके नॉर्मल जो परफॉर्मेंस मिलता है इसके अंदर ही मैंने Antutu को टेस्ट किया तो लगभग मुझे यहाँ पे 7,20,000 के अराउंड इसके Antutu मुझे देखने मिल रहे थे। और सबसे अच्छी बात तो इसकी CPU थ्रॉटलिंग की लगी मुझे, तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो लगभग 2,38% के एवरेज GPU स्कोर थे
नो सीपीयू थ्रॉटलिंग, मतलब परफॉर्मेंस में कुछ भी ड्रॉप नहीं है और पूरा का पूरा ग्राफ 15 मिनट का हमें ग्रीन ही देखने मिलता है। तो ये चीज़ें सही है, बाकी पे स्टोरेज 2.2 देखने मिलता है और जो ऐप ओपनिंग का वगैरह स्पीड है ना, ये मुझे मीडियम देखने मिला। और हाँ, थोड़ा सा हेवी ऐप्स वगैरह आप ओपन करते हो तो वहाँ पे स्लो स्पीड मिलेगा, बट नॉर्मल ऐप जो यूज़ करते हो इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब वगैरह, इनका स्पीड सही है। तो अभी ना आपके मन में क्वेश्चन पड़ेगा कि इसके अंदर तो परफॉर्मेंस मोड नहीं है, तो BGMI का मतलब गेमिंग का क्या हाल है, क्योंकि परफॉर्मेंस मोड या मास्टर मोड जो है आईकू का वीवो का, वो तो स्पेशली गेमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, गेमिंग के परफॉर्मेंस बूस्ट करता है। तो इसके अंदर जितना हमने टेस्ट किया, BGMI के अंदर 60fps का सपोर्ट मिलता है और HDR प्लस अल्ट्रा है, मतलब 40fps का सपोर्ट HDR के अंदर, बट हमने स्मूथ प्लस एक्सट्रीम के अंदर ना क्लासिक मैचेस लगभग 58 मतलब एक घंटे तक हमने ट्राई किए थे, तो ऑलमोस्ट मुझे जो एवरेज FPS है ना गेमिंग के अंदर 56, 57 ही मिल रहे थे। हाँ, फ्लक्चुएशन था यहाँ पे FPS के अंदर, कभी यहाँ पे 50 पे आ रहा था, कभी 52 पे आ रहा था, ज़्यादा एनिमे आते हैं तो कभी कभी 47, 48 के आसपास भी आ रहा था, बट ओवरऑल जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना, ये मुझे मॉडरेट लेवल की देखने मिली। मतलब आप ऐसे प्लेयर हो कि गेमिंग ज़्यादा खेलते हो तो हाँ हल्के फुल्के ड्रॉप है, बट ज़्यादा निराश ये फ़ोन आपको नहीं करेगा। और जो परफॉर्मेंस मोड या मॉन्स्टर मोड, इसका कुछ भी असर मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि आईक्यू G9 भी इतने FPS देता है इवन परफॉर्मेंस मोड को ऑन करने के बावजूद भी। अब कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि ब्रांड को फीडबैक लेना चाहिए और थोड़ी सी अजीब लगी, बट हाँ इनको आप स्टार्टिंग में ही बंद कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले जब फ़ोन आप सेटअप कर रहे हो ना, तो बहुत कुछ यहाँ पे ना ये परमिशन मांगता है, जैसे कि वेदर, स्मार्ट अपग्रेड, उसके साथ साथ जो भी होम और उसके साथ पर्सनलाइजेशन, रिकमेंडेशन, लॉक स्क्रीन, पोस्टर, इनको ना आपको बंद करके रखना है, क्योंकि आगे जाके आपको क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा और इनको ऑफ नहीं करते हो तो आपको एड्स देखने को मिल सकती है। तो स्टार्टिंग में इनको मैंने बंद किया था और फटाफट अपडेट भी कर लिया, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि हाँ कुछ ऐप्स वगैरह मैं इंस्टॉल करता हूँ ना, तो कुछ ऐप के रिकमेंडेशन आते हैं प्ले स्टोर के अंदर, बट इसको भी आप इजीली बंद कर सकते हैं। क्या करना है आपको, इनका जो आई मैनेजर ऐप है ना, इसके अंदर जाना है और आई मैनेजर ऐप के अंदर जाके, ऐप के अंदर आने के बाद सेटिंग का आइकन मिल जाएगा, इसके अंदर आना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं, बट सिक्योरिटी स्कैन के अंदर आना है, यहाँ पे एग्री करके यहाँ पे जो भी रेगुलर रिमाइंडर वगैरह है इनको सबको ऑफ कर देना है, यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स वगैरह बहुत कुछ आता है, इसके नीचे जो भी मिलता है ऑटो अपडेट वगैरह सबको ऑफ कर देना, और ऑफ करने के बाद इनका जो फी स्टोर ऐप है ना, इसके अंदर आना और सबसे पहले इसकी भी नोटिफिकेशन ऑफ करके रखनी है, क्योंकि ये भी यार बार बार नोटिफिकेशन भेजता रहता है, तो यहाँ पे ऐप इन्फो में आके सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन ऑफ कर देना, और उसके बाद इसको ना फोर्स स्टॉप करना है। उसके बाद आप प्ले स्टोर से कुछ भी इंस्टॉल करोगे, बिल्कुल ऐप के वगैरह रिकमेंडेशन नहीं आएंगे। तो सबसे पहले फ़ोन को जैसे सेटअप वगैरह करते हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको आगे जाके क्लीन एक्सपीरियंस मिले। हाँ, ये फ़ोन जो 14 विद एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, तो हमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है, तो ये चीज़ें सही है। बाकी जितना हमने एनिमेशन वगैरह चेक किया तो स्मूथ फील होता है, हाँ ज़्यादा जिटर वगैरह महसूस नहीं होते, बट हेवी ऐप्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो हल्के फुल्के जिटर आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं, उनका मजा आप ले सकते हैं। बाकी ब्लोटवेयर्स की बात करें तो हाँ, यहाँ पे कुछ ब्लोटवेयर्स देखने मिलते हैं, 10 के आसपास ब्लोटवेयर्स है, उनमें से कुछ अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और जो हॉट ऐप और हॉट गेम्स है ना, इनको डिसेबल करना पड़ेगा। आप हॉट ऐप एंड हॉट गेम्स के ऊपर आपको टैप एंड होल्ड करना है, उसके बाद इनके सेटिंग में आना और नीचे आपको क्रिएट हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स ऑन होम स्क्रीन के ऊपर जो ऑप्शन है ना, उसको डिसेबल कर देना है। उसके बाद ये भी ऐप्स चल जाएंगे, और बाकी जो भी थर्ड पार्टी ऐप्स है ना, उनको अनइंस्टॉल कर देना जिनकी आपको जरूरत नहीं है। तो ऐसे बट ब्लोटवेयर्स है आपको क्लीन करने पड़ेंगे। और जितना हमने सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स वगैरह चेक किए, बहुत सारे फीचर्स देखने मिलते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह देखने मिलता है, इनका खुद का डायलर आता है, उससे आप इजीली कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। रही बात यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर की, तो यहाँ पे यार ये मोशन बेस्ड काम करता है, यहाँ पे ना ये कानों के पास लेके जाने के बाद बंद करेगा ऐसे कॉल स्क्रीन को, बट कभी कभी दिक्कत क्या होती है पता है, ये कॉल स्क्रीन को तो बंद कर देता है बट ऑन करना भूल जाता है, कभी कभी होता है ये रियरली, कभी तो बट बार बार नहीं होता, बट यहाँ पे ना फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होता तो बेटर रहता। हाँ, यहाँ पे जो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, ये सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन इसका अच्छा है, जैसे कि मैंने सेटिंग्स के अंदर भी चेक किया और थर्ड पार्टी ऐप्स के अंदर भी चेक किया, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सबके अंदर 120 हर्ट्ज़ चलता है, तो ये चीज़ें सही है और स्मूथ फील होता है। रही बात सॉफ्टवेयर अपडेट हिस्ट्री की, 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे और 3 ईयर्स की सिक्योरिटी पैच देखने मिल जाएंगी, तो ये चीज़ें अच्छी लगी। बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर को आप देखते हो ना, तो स्टार्टिंग में आपको ना 10-15 मिनट देख के सॉफ्टवेयर को क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर क्लीन फील होगा। और एंड्रॉइड 14 और लेटेस्ट फ्रंट एज ओएस 14 के बाद सॉफ्टवेयर अच्छा भी दिख रहा है, मॉडर्न भी फील होता है, तो मुझे सॉफ्टवेयर में ऐसी बड़ी शिकायतें नहीं लगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं,
रही बात यहाँ पे कैमरे की, तो कैमरा का क्या हाल है, चलो यार यहाँ पे ना मैं आपको ना साइड बाय साइड ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो वही बेटर रहेगा। और हमने ना बहुत सारे सैंपल्स लिए थे, तो सबसे पहले हमने ना लो लाइट में इसका एक फोटो कैप्चर किया नाइट मोड से। हाँ, तो फोटोज के अंदर लाइट वगैरह अच्छे से कैप्चर कर रहा है, बट चेहरे के ऊपर हल्की सी डिटेल्स कम है, यहाँ पे थोड़ा सा ना कभी कभी डिटेल को मिस आउट करता है, तो ऐसी कुछ चीज़ है। बाकी हमने कुछ शॉट्स आउटडोर में भी डायरेक्ट ट्राई किए, तो हाँ यार यहाँ पे ना चेहरे के ऊपर डिटेल्स भी है, कलर ट्यूनिंग भी अच्छी है और डायनेमिक रेंज भी सही है, जैसे कि यहाँ पे ना साइड में बादल वगैरह भी दिख रहे हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ है। बाकी हमने पोर्ट्रेट मोड भी बहुत सारे लिए थे, तो यहाँ पे एच डिडक्शन वगैरह सही होता है, चेहरे की कलर की ट्यूनिंग भी सही है और जो बैकग्राउंड है ना, मतलब जो ब्लर इफेक्ट क्रिएट कर रहा है ये भी सही है। बाकी 2x मोड का भी ऑप्शन देखने मिलता है, तो इसमें तो यार बहुत मस्त फोटोज आते हैं, एच डिडक्शन वगैरह प्रॉपर होता है और जो बैकग्राउंड ब्लर कर रहा है ना ये भी मस्त लग रहा है। हाँ, यहाँ पे ना कुछ शॉट्स हमने अपोजिट लाइट भी ट्राई किए थे, डार्क सन था बैकग्राउंड में, मतलब पीछे के साइड में, तो यार इसने बिल्कुल ओवर एक्सपोज नहीं किया सन को और डिटेल्स भी मेंटेन करके रखी चेहरे के ऊपर, और उसके साथ साथ सन भी अच्छे से विजिबल हो रहा था और नीचे जो बाइक का नंबर प्लेट है ना ये भी यार बहुत अच्छे से यहाँ पे दिख रहा था, तो कैमरा लिटरली सही है। हाँ, बाकी हमने पोर्ट्रेट मोड भी अपोजिट टू लाइट ट्राई किया था, तो यहाँ पे चेहरे के ऊपर डिटेल भी है, एज डिटेक्शन भी सही है और सन को भी इतना ज़्यादा इसने ओवर एक्सपोज नहीं किया, बट हल्का सा हुआ था, बट यार अच्छा लग रहा था और बट इतने कम प्राइस में बहुत अच्छे से ये बैलेंस भी कर रहा था और बाइक के ऊपर की डिटेल भी यहाँ पे इसने मिस नहीं की, तो ये चीज़ है। बाकी 2x पोर्ट्रेट लिया अपोजिट टू सनलाइट और इसने भी यार अच्छे से काम किया, बट हाँ चेहरे के ऊपर की लाइट कंट्रोल थोड़ी सी गड़बड़ा गई, बाकी यार हमें प्राइस भी देखना चाहिए। बाकी कुछ और भी शॉट हमने ट्राई किए थे, तो यहाँ पे कलर ट्यूनिंग वगैरह सही थी, डायरेक्ट फेस के ऊपर लाइट आ रही थी तो बहुत अच्छे से लाइट को ही मैनेज कर रहा था। बाकी सेल्फी हमने देखी तो सेल्फी भी कलर ट्यूनिंग वगैरह सही है। हाँ, यहाँ पे जो एज रिडक्शन वगैरह है ये भी बिल्कुल सही देखने में मिल रहा है। रही बात अपोजिट टू लाइट, तो यहाँ पे भी लाइट कंट्रोल बहुत अच्छे से होती है बैकग्राउंड की और सेल्फी के अंदर जो एज रिडक्शन वगैरह है ये भी सही आता है, बट एक है ना कभी कभी रेड स्टोन आती है हल्की सी, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं। बाकी 4K 30fps वीडियो शूट कर सकते हो, 1080p 60fps से भी वीडियो शूट कर सकते हो और यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हो, तो सैंपल से आपको पता ही चल जाएगा। बट प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग यार मुझे कैमरा इसका सही लगा, क्योंकि हाँ यहाँ पे ना Realme 12 Plus है, Realme Narzo 70 Pro है, उनके भी कैमरा बेस्ट लेवल के हैं, उनके साथ तो कंपैरिजन करेंगे, बट ऑलरेडी उन फोनों का एक्सपीरियंस मैंने लिया है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। हाँ, अब मेन बात तो बैटरी लाइफ की है, क्योंकि अब समर का सीज़न चल रहा है और इसी समय पे बहुत सारे फ़ोन बैटरी ड्रेन करते हैं, इशू आते हैं उनके अंदर, तो इसका क्या हाल है। लगभग 2-3 दिनों के अंदर मैंने 2 बार ही फ़ोन को चार्ज किया था, उसके बाद का ही मैं बैटरी लाइफ क्या थी क्या नहीं ये सीन बता रहा हूँ। बाकी 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है और 44W के चार्जर इसके साथ देखने मिलता है, तो लगभग 1 आवर के आसपास हमने BGMI को ट्राई किया था, YouTube को 1 आवर 26 मिनट तक हमने वीडियोस देखे थे। बाकी हाँ, Netflix को यूज़ किया था, WhatsApp पे वीडियो कॉल किया था और उसके बाद हमें 7 आवर 24 मिनट्स के आसपास इसके अंदर बैटरी लाइफ मुझे देखने मिली। मुझे और टेस्ट करना पड़ेगा, बट इनिशियली जो बैटरी मैंने टेस्ट की बैटरी लाइफ सही है, आराम से एक दिन चल जाएगा और लगभग आपको हैवी यूजर्स में भी 6-7 घंटे का ऑन स्क्रीन मिल सकता है, और लाइट यूज़ करते हो तो 7 घंटे के ऊपर ही आपको ऑन स्क्रीन मिलेगा। ये मेरा मॉडरेट यूज़ था और हाँ, जब मैं बैटरी को टेस्ट कर रहा था तो लगभग फ़ोन 60% 5G नेटवर्क के ऊपर था और 40% यहाँ पे वाईफाई के ऊपर चल रहा था, तो ऐसी कुछ चीज़ है, बट बैटरी लाइफ सही है। तो इनिशियली मैं सब कुछ समअप करके आपको बता देता हूँ कि फ़ोन लेने लायक है कि नहीं। देखो, मैं लिटरली आपको बोल सकता हूँ कि इसका डिस्प्ले अच्छा है, इसका कैमरा भी अच्छा देखने मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर है, 8 5G के बैंड्स है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, गेमिंग परफॉर्मेंस भी सही है और डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट सही है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। तो आप एक ऐसे बंदे हो, आपको ना 18-20 हज़ार के आसपास सारी चीज़ें मॉडरेट चाहिए अपने फ़ोन के अंदर, तो डेफिनेटली इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। हाँ, बैटरी लाइफ भी अच्छी है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो इनिशियली तो इस फ़ोन ने इम्प्रेस किया है, बट आगे बहुत सारे फ़ोन के साथ कंपेयर करेंगे, iQOO Z9 Realme है, Realme 12 Plus है, Realme Narzo 70 Pro है, तो और चीज़ें हमें पता चल जाएगी, इसलिए चैनल के साथ बने रहना। और आपके लिए फटाफट फ़ोन भी खरीदने पड़े थे तो थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करना है, तो यार 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं और पहले 200 जो भी कमेंट्स आएंगे सबको रिप्लाई मिलेगा भाई, फटाफट कमेंट कर दो, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, कोई भी रिकमेंडेशन, सबका आंसर आपको मिल जाएगा, इसलिए पहले 200 कमेंट को रिप्लाई आएगा, तो फटाफट कमेंट कर लेना। बाकी चैनल के रिगार्डिंग, इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक हो नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।